अरे यार सर तो आ गए। सर अंदर आ जाए। कहाँ गए थे तुम दोनों? हाँ वो सर बाहर पानी पीने गए थे। चलो जल्दी से होमवर्क निकालो अपना। सर सॉरी लेकिन होमवर्क तो नहीं हो पाया। क्यों? वो सर कल घर पे मेहमान आ गया था ना इसलिए। तो क्या मेहमान तो मेहंदी लगाने के लिए आता है, होमवर्क नहीं किया? सारे तबेले के गोबर तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरे ऊपर? थुम थुम थुम। साले गधे के उल्टी पूछ तू बाहर में मुझे। अरे यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लड़ मत लड़ मत। अरे क्या छोड़ो छोड़ो यार, अगर तेरे ऊपर कोई ऐसे थूकेगा तो तू चुप रहेगा? हाँ तो सतमो उसने थोड़ी ना दुखा है, वो तो इसे चिढ़ा रहा था बस। चिड़ा रहा था मतलब क्या? ये कोई चिड़िया है जो कोई भी इसे चिड़ा कर चला जाएगा? हाँ तो दुख क्या चाहता है, ये दोनों कुत्तों की तरह आपस में लड़े? हाँ मतलब नहीं। चुप, एकदम चुप। अगर किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अरे तुम होमवर्क निकालो अपना, चलो। सर सॉरी लेकिन होमवर्क तो नहीं ले आए हैं। क्यों? वो सर कल पेट खराब हो गया था ना तो सर पूरा दिन बाथरूम आने जाने में ही निकल गया, होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला सर। वाह क्या बहाना बनाया है साला, सब के सब गधे भरे हैं इस क्लास में। सर आप भी तो इसी क्लास में हो। क्या मतलब? मतलब सर ये आपको सबके सामने गधा बोल रहा है। यहाँ शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सबके सामने सर को गधा बोल रहे हो। हाँ वो बात अलग है कि सर की शक्ल थोड़ी बहुत गधे से मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके सामने सर को गधा ही घोषित कर दो यार। सर सर अब ये वो गधे। ठीक है बेटा हम गधे ही सही, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा जो पेपर है वो ये गधा ही चेक करेगा।